हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के कहर ने घर में ही कर दिया अपनों से जुदा। दो बेटे 10 दिन रहेंगे अपनों के सामने ही अपनों से दूर। बैंगलोर से लौटने पर जागरूक किसान पिता ने किए सोशल डिस्टेंसिंग के कदम। रिश्तों की दूरियों का ऐसा ही एक दर्द भरा दृश्य उपखंड के विशोइयों का तला में देखने को मिला, जहां एक पिता ने परदेश से लौटे कमाओ पूत घर के पास एक नया बसेरा दिया है, जहां उनके रहने खाने पीने के सभी अलग इंतजाम किए गए हैं। विशोइयों का तला के एक किसान रामलाल खिलेरी के दो बेटे गणपतलाल और ओम प्रकाश बैंगलोर में स्टील रेलिंग लगाने का रोजगार करते हैं। इन बेटों को कोरोना के संकट ने रोजगार से उखड़ने को मजबूर कर दिया। 24 की शाम प्रधानमंत्री द्वारा देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के निर्णय के बाद इन्हें भी अपने घर परिवार के साथ वक्त बिताने की ऐसी बेचैनी हुई कि वे अपने घर लौटने को रवाना हो गए। 6 दिन के सफर के बाद मंगलवार को जब वे अपने घर लौटे तो कोरोना के कहर से बनी दूरियां यहां भी कम नजर नहीं आई। उनके पिता रामलाल खिलेरी ने ठाणे के पास पहले ही एक नया झोपड़ा बनाकर तैयार कर दिया था, जहां इन्हें अब 10 दिन तक परिवार से अलग रहकर खुद को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना करना शुरू किया है। मंगलवार को जब बैंगलोर से लौटने की खबर सुनकर प्रशासन की सर्वे टीम भी तत्काल यहां पहुंच गई, लेकिन यहां पहले से ही अलग रखने के इंतजाम देख उन्हें भी परिवार की जागरूकता की दाद देनी पड़ी। जागरूक टीवी से बात करते हुए पिता रामलाल ने ये बात कही। आपको इस झोंपे बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को प्रेरणा ऐसे मिली कि मोदी जी ने 21 तारीख का लॉकडाउन की सुनी थी मैंने टीवी में। जब मैंने ये झोंपा तैयार किया दो बच्चों के लिए, क्यों? क्योंकि मतलब मैंने मोदी जी को सुना था कि भाई कोरोना है, इसीलिए दूर रहो, इसीलिए मैंने मेरे बच्चों को दूर रखा। राजस्थान से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।